नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बंधु जी गुड आफ्टरनून, शोभा गुड आफ्टरनून, दीपांजलि गुड आफ्टरनून, उमा गुड आफ्टरनून, मोतीलाल गुड आफ्टरनून, श्रुति गुड आफ्टरनून, उसके बाद शोभा साहू जी कोरबा से, राम राम सर जी। शोभा साहू मैडम आज कोरबा ही पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो फटाफट से आप लोग जो हैं वो जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग बहुत जल्दी ही सेशन को क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें, ठीक है? फटाफट से माय ट्यूटोरियल गुड आफ्टरनून सर, भोज कुमारी गुड आफ्टरनून, आपको भी गुड आफ्टरनून, आर्यन जी गुड आफ्टरनून, हाथ जोड़ के गुड आफ्टरनून, आपको भी इरफान गुड आफ्टरनून, उमेश सिंह गुड आफ्टरनून, ठीक है? फटाफट से शेयर कर दो, फिर शुरू कर देते हैं अपन, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। जयललिता जी गुड आफ्टरनून, चुनाव लड़िए जयललिता जी इस बार आप, ठीक है? जय हिंद आर्यन, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रेणु जी गुड आफ्टरनून, चलो हो गया, बहुत गुड आफ्टरनून खेल लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, तो पढ़ाई जो है उसको शुरू कर देते हैं, ठीक? मोटिवेशनल स्पीकर अश्विन जी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो, तो ये जो हमारा मोर छत्तीसगढ़ सीरीज है, इस सीरीज के माध्यम से अभी मैं आपको छत्तीसगढ़ के जिलों की तैयारी करा रहा हूँ। इसी क्रम में ये जो वीडियो है हमारा इस सैटरडे का, इसमें मैं आपको कोरबा डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगा, कोरबा जिले की पढ़ाई कराऊंगा मैं, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का हमारा जो रायपुर सेंटर है उसमें ना 12 जून से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो CGPSC इंटीग्रेटेड की बैच लेकर आ रहे हैं। प्री प्लस मेंस की ये बैच है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जिसमें प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कराते हैं। असल में होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हर जो CGPSC का विद्यार्थी है ना, वो काफ़ी लंबे समय तक इसी कश्मकश में लगा होता है कि क्या वो प्री पढ़े क्या वो मेंस पढ़े, और इसी बीच काफ़ी लंबा समय वो ख़राब कर देता है ना। प्री की ही तैयारी अच्छे से हो पाती है ना मेंस की तैयारी, तो इसलिए हमको बेसिकली तैयारी जो है दोनों आयामों को ध्यान में रखकर करनी है, प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर करनी है। जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना बेहतर होगा। तो ऐसा ही बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं अपने रायपुर सेंटर पे। बैच जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों में उपलब्ध है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, ठीक है कि नहीं? ऑफलाइन में तो एक स्पेशल फीचर भी है जिसको हम हाइब्रिड क्लास बोलते हैं, ऑफलाइन लाइव रिकॉर्डेड सारा कुछ एक साथ मिल जाएगा। अगर इसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई जानकारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये दो फोन नंबर्स मैं दे रहा हूँ, इन नंबर्स पर क्या कर लेना, कॉल कर लेना, या हमारे रायपुर सेंटर का अगर एड्रेस जानते हैं चौबे कॉलोनी वाला तो सीधा सीधा वहां पर पहुंच भी जाना, ठीक? लोकेंद्र जी गुड आफ्टरनून, चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार जुड़ा है? अगर हाँ तो बता दीजिए, मैं समझा देता हूँ कि कैसे पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सीधा पढ़ाई चालू करते हैं। कोई है जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहा है? मानसी गुड आफ्टरनून। सर मेंस के लिए लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी? बहुत जल्द होने वाली है। धनराज जी गुड आफ्टरनून, निशा गुड आफ्टरनून, अमित गुड आफ्टरनून, इतने लोग के ही कमेंट्स दिख पा रहे हैं मुझे, ठीक है? बता दो कोई है पहली क्लास जिसकी, नहीं तो शुरू कर दूं। एको जन स्यू साव नहीं करते है। नो दिव्या गुड आफ्टरनून। चलो, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख ही लेते हैं कि कैसे पढ़ते हैं अपन। तो डिस्ट्रिक्ट को मैं कितने पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा? 4 पॉइंट्स में। पहला जो पॉइंट है वो क्या होगा? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? इतिहास या हिस्ट्री। तीसरा पॉइंट क्या है? भूगोल, ज्योग्राफी। चौथा क्या है? जनजाति, पर्यटन, ट्राइब्स एंड टूरिज्म। तो पहला जो पॉइंट है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें क्या करेंगे, तो अपन देखेंगे सबसे पहले कि ये जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉइंट है, इसमें तहसील डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, विकासखंड या ब्लॉक कितने हैं। फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं कि जिले का मुख्यालय क्या है, हेडक्वार्टर्स, क्या वहां पर कोई नगर निगम है। इसके अलावा क्या देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा। अच्छा, साथ में और क्या देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवेज भी देखते हैं।
इतिहास की बात करोगे हिस्ट्री की तो क्या देखने वाले हैं हम लोग, तो हिस्ट्री में देखने वाले हैं भूपेंद्र गोस्वामी। गुड आफ्टरनून महाराज, होगा तो हूँ गुड आफ्टरनून। चलिए हाँ वापस आ जाता हूँ। तो इतिहास में हम क्या देखते हैं, इतिहास में हम देखते हैं कि जिले का गठन फॉर्मेशन कब हुआ है, और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या कोई महत्वपूर्ण स्थल जो है वो इस जिले में है। भूगोल ज्योग्राफी में यहाँ पे कौन सा चट्टान मिलता है, इसके अलावा उसमें कोई खनिज मिलता है क्या, कोई पर्वत, कोई नदी, कोई जलप्रपात है क्या, नदी के ऊपर कोई परियोजना या प्रोजेक्ट है क्या। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट में औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया, और कोई महत्वपूर्ण उद्योग हो तो उसे भी। लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फाइनली जनजाति पर्यटन, तो जिले में कौन सी महत्वपूर्ण जनजाति निवासरत है। पर्यटन टूरिज्म में हम देखते हैं कि जिले में महत्वपूर्ण टूरिज्म के लोकेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मैप को अच्छे से देख लिए, ये हमारा क्या है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट का मैप है। ठीक है, अब ये जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये लोकेटेड कहाँ पर है, मतलब इसके अड़ोसी पड़ोसी कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से नहीं हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले इसके उत्तर की ओर से चालू करें तो आपको पहला डिस्ट्रिक्ट दिखेगा जिसका नाम है क्या, MCB मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर। उसके बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट दिखने वाला है वो है क्या, कोरिया। तो MCB मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर, फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोरिया। ठीक है, फिर अगला डिस्ट्रिक्ट जो दिखेगा वो रहेगा क्या, तो वो रहेगा सूरजपुर। तो मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया सूरजपुर। फिर उत्तर की तरफ एक डिस्ट्रिक्ट और दिखने वाला है जिसका नाम है क्या, नाम है सरगुजा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये चार डिस्ट्रिक्ट दिख गए उत्तर की तरफ। अब इसके पूर्व ईस्ट की तरफ देखोगे तो हमको मिलेगा क्या, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, रायगढ़। ठीक है, अच्छा अब इसके दक्षिण साउथ की तरफ आ जाओगे ना तो हमको कितने डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, हमको दो डिस्ट्रिक्ट। पहला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सकती, और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है जांजगीर चांपा। मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया सूरजपुर सरगुजा रायगढ़, उसके बाद क्या है सकती, फिर जांजगीर चांपा। वेस्ट या पश्चिम की तरफ आ जाओ तो आपको फिर से दो डिस्ट्रिक्ट, नीचे जो है वो है अपना बिलासपुर, और ऊपर जाओगे गौरेला पिंडरा मरवाही। क्लियर है ये, तो हमने क्या देखा, नॉर्थ की तरफ ये चार डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर बनाता है, मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया सूरजपुर सरगुजा। ईस्ट पूर्व की तरफ रायगढ़ है, साउथ में देखोगे जांजगीर चांपा है, सकती है, वेस्ट में देखोगे ऊपर गौरेला पिंडरा मरवाही है, नीचे क्या है बिलासपुर है। क्लियर है, तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या करता है, ये बॉर्डर क्रिएट करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, जो पॉइंट क्या है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर आप तहसील देखोगे तो तहसीलों की संख्या मिलेगी 12, और अगर ब्लॉक देखोगे विकास खंड तो संख्या मिलेगी 5। ठीक है, तो तहसील 12 है, विकास खंड कितने हैं, 5। अब इन्हीं को मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो तहसील को पहले प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले जो तहसील है उसका नाम है पाली, पाली के बाद अगला तहसील है कटघोरा, कटघोरा के बाद नेक्स्ट जो तहसील है वो है पौड़ी उप रोड़ा। तो तीन हुए, पाली, कटघोरा, पौड़ी उप रोड़ा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट तहसील आपको मिलेगा एक, अब मैंने बॉक्स बना दिया मतलब ये हेडक्वार्टर्स भी है जिले का, नाम इसका है क्या, कोरबा, और कोरबा से लगभग ईस्ट की तरफ चले जाओ, पूर्व की तरफ आपको मिलेगा करतला। क्लियर है, तो पांच तहसील यहां पर याद रखना, पाली, कटघोरा, पौड़ी उपरोड़ा, कोरबा, करतला। मैंने टोटल कितने बताए हैं, 12, तो अभी कितने तहसील बचे हैं, 7, कौन कौन से देखते चलना। सबसे पहले पौड़ी उपरोड़ा जो है ना, इसके नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की तरफ आओगे आपको एक तहसील मिलेगा जिसका नाम क्या है, पसान। क्या नाम है, पसान। फिर कटघोरा और कोरबा, ये दोनों के बीच में आप आ जाओ, आपको मिलेगा दर्री। एक तहसील क्या मिल जाएगा, दर्री।
दर्री के ईस्ट पूर्व की तरफ आओगे एक तहसील मिल जाएगा जिसका नाम है अजगर बहार। क्या मिलेगा? अजगर बहार। फिर कोरबा के साउथ दक्षिण की तरफ आना, आपको क्या क्या तहसील मिलेगा? तो एक मिलेगा बर पाली और दूसरा मिलेगा भैंसमा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट, ये जो कोरबा है लगभग आप इसके पूर्व ईस्ट की तरफ आ जाओगे, आपको तहसील मिलेगा दिपका और दिपका के दक्षिण साउथ की तरफ आओगे क्या मिलेगा? हरदी बाजार। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 तहसील, 12 तहसील्स हो गए। तो मैंने आपको शुरू में पांच कौन से बताए थे? पाली, कटघोरा, पौड़ी उपरोड़ा, कोरबा, करतला। फिर क्या बताया? पौड़ी उपरोड़ा के नॉर्थ वेस्ट में आना, उत्तर पश्चिम पसान। उसके बाद मैंने बताया आपको कटघोरा और कोरबा के बीच में दर्री, फिर दर्री के ईस्ट में जाओ अजगर बहार, फिर कोरबा के साउथ में एक बार पाली बनाना, दूसरा भैंसमा, फिर कोरबा से किधर आ जाना? लगभग वेस्ट पश्चिम की तरफ, तो दिपका, दिपका के नीचे हरदी बाजार। हो गए 12 के 12। तो तहसील 12 देख लिए, विकासखंड या ब्लॉक पांच कौन से हैं? तो जो पांच शुरू के तहसील थे, तो पांच शुरू के तहसील कौन से बताया था? पाली, कटघोरा, पौड़ी उपरोड़ा, कोरबा और करतला। तो ये पांच विकासखंड हैं, ब्लॉक हैं। समझ में आया कि नहीं आया? प्रिया जी गुड आफ्टरनून, उसके बाद अंसारी जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो क्लियर है। तो हमने क्या कर लिया? 12 तहसील देख लिए, 5 ब्लॉक्स, उसके बाद हेडक्वार्टर्स क्या है? कोरबा है। क्लियर है ये बात? ठीक है भाई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नेशनल हाईवेज को देख लेते हैं। अब आपको ध्यान होगा हम पिछले एक दो क्लासेस से नेशनल हाईवे नंबर 30 तो देख ही रहे हैं। अब ये जो नेशनल हाईवे नंबर 30 है, इसके दो ब्रांचेस आपको याद होंगे। एक मैंने बताया था 130A, जो कि निकला था पौड़ी से मुंगेली, फिर ये कहाँ पे? बिलासपुर। नाम है क्या इसका? नेशनल हाईवे 130A। अब समझना, बिलासपुर के बाद ये सीपत होते हुए कहाँ पहुँचेगा? तो ये जांजगीर चांपा काटेगा थोड़ा सा, फिर पहुंचेगा कोरबा, कोरबा से करतला और फिर धरमजयगढ़ और फिर ये कहाँ पहुंचेगा? पत्थलगांव, जाके नेशनल हाईवे ख़त्म। इसको ऑलरेडी देख चुके हैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा। इसके बाद आपको ध्यान होगा हम एक और शाखा देखे थे, ब्रांच देखे थे 30 की, 130 सिमगा से निकल के नानघाट, सरगांव और उसके बाद बिलासपुर और रतनपुर होते हुए ये एंटर करेगा कहाँ? पाली, कटघोरा, पौड़ी उपरोड़ा और उसके बाद सूरजपुर काट के सरगुजा में पहले उदयपुर, लखनपुर और अंबिकापुर। नाम है इसका नेशनल हाईवे नंबर 130। क्लियर है ये? तो 130 भी बता चुका हूँ, 130A भी बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ डबल डबल। अब ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में देखे थे बिलासपुर से नेशनल हाईवे नंबर 49 मस्तूरी, फिर कहाँ पे नीचे? पामगढ़, फिर अकलतरा, फिर ये जांजगीर चापा और उसके बाद ये सक्ती होते हुए खरसिया, रायगढ़, फिर निकल गया था छत्तीसगढ़ से बाहर। मैंने आपको बताया था ये जाएगा कहाँ पे? खड़गपुर। नाम है इसका क्या? नेशनल हाईवे 49। अब ध्यान देना अच्छे से, नेशनल हाईवे नंबर 49 जो है ना, इस नेशनल हाईवे 49 का ब्रांच निकलता है चांपा के पास से, जो आता है कहाँ? कोरबा और दर्री होते हुए कटघोरा। नाम है नेशनल हाईवे नंबर 149B। छत्तीसगढ़ में लंबाई है 70 किलोमीटर। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर 149B 49 की शाखा है जो चांपा से निकलती है, कोरबा होते हुए किसे जोड़ती है? कटघोरा को। छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर्स। अब इसी को यहाँ पर बनाता हूँ नेशनल हाईवेज को। तो सबसे पहले नेशनल हाईवे नंबर क्या है? तो नेशनल हाईवे नंबर 130 तो ये बिलासपुर की तरफ से आ रहा है, पाली, कटघोरा, फिर पौड़ी उपरोड़ा,
सूरजपुर काट के सरगुजा, नेशनल हाईवे नंबर 130। फिर अगला नेशनल हाईवे ग्रीन कलर से बना देता हूँ भाई। तो ये अगला जो नेशनल हाईवे है ये जांजगीर चांपा की तरफ से आ रहा है, कोरबा, करतला, धरमजयगढ़ और उसके बाद निकल जाएगा आगे 130 ए। फिर अगला नेशनल हाईवे ऑरेंज कलर से है, चांपा से 49 की शाखा 149 बी एआई बरपाली, कोरबा और दर्री होते हुए कटघोरा, नाम है इसका NH 149 बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है ये बात? तो ये क्या किया हमने, तीन नेशनल हाईवेज को यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, नेशनल हाईवे भी हो गया। अब आगे देखना, आगे क्या होता है, तो आगे ये है कि नेशनल हाईवेज के बाद अगला जो पॉइंट है अपना वो है विधानसभा। विधानसभा के लिए यहाँ पर चार विधानसभा की सीटें दिखेंगी। पहली जो है वो है पाली ताना खार, खारा लिख दिया हूँ, खार है तो विधानसभा में पाली ताना खार, उसके बाद कटघोरा, फिर कोरबा, पाली ताना खार, कटघोरा, कोरबा और रामपुर। तो ये चार विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहाँ पे, पाली ताना खार, कटघोरा, कोरबा और रामपुर। कोरबा से ध्यान रखना विधायक हैं कौन, श्री जयसिंह अग्रवाल जी, पार्टी इनकी क्या है, कांग्रेस, वर्तमान में राजस्व मंत्री हैं, वर्तमान में क्या हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जयसिंह अग्रवाल जी, कोरबा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो चार, पाली तानाखार, कटघोरा, कोरबा और रामपुर, ये चार कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। विधायक कहोगे तो कोरबा से श्री जयसिंह अग्रवाल है, राजस्व मंत्री हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर ध्यान रखना कोरबा जो है वो क्या है, नगर निगम भी है और श्री राज किशोर प्रसाद जी क्या हैं, मेयर हैं, पार्टी इनकी क्या है, कांग्रेस। तो हमने क्या देखा, कोरबा में प्रशासन में सबसे पहले 12 तहसील है, उसमें से 5 विकासखंड है, हेडक्वार्टर्स कोरबा है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है विधानसभा की जिसमें से एक मिनिस्टर भी हैं और उसके बाद एक नगर निगम है कोरबा नगर निगम, श्री राजकिशोर प्रसाद जी मेयर हैं, कहाँ से, कांग्रेस की पार्टी से। उसके बाद हम लोग तीन नेशनल हाईवेज भी यहाँ पर देखे हैं, क्या क्या है, तो सबसे पहले NH 130 है, उसके बाद क्या है 130 ए भी है, फिर नेशनल हाईवे नंबर 149 बी। ठीक है कि नहीं है, शीला जी गुड आफ्टरनून। चलिए अब क्या किया जाए, अब आया जाए अगले पॉइंट पर जो कि क्या है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री देखो ऐसा कुछ विशेष तो है नहीं, ध्यान रखना सबसे पहले जिले का गठन, फॉर्मेशन। तो गठन जो है इस जिले का वो हुआ 1998 में, 1998 में, और इसका मातृ जिला, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट, ये क्या था, बिलासपुर। मातृ जिला पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या था, बिलासपुर। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, इस डिस्ट्रिक्ट में तुम्मान है, अब ये जो तुम्मान है ये फर्स्ट कैपिटल ऑफ कल्चुरीज, कल्चुरियों की प्रथम राजधानी तुम्मान। ठीक है, तो कल्चुरी वंश ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में 1000 में शासन अपना चालू करता है, 1000 एडी,
और रायपुर में, रायपुर की जो शाखा थी वो 1750 तक शासन करती है, मतलब 750 साल कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पे शासन किया, और छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला ये सबसे, या सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश था। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी थी कलचुरी डायनेस्टी। इन्हीं का फर्स्ट कैपिटल क्या था? तो मांड। प्लॉट भी कर दूंगा, ध्यान रखना अभी। अच्छा, नेक्स्ट चीज ध्यान रखना हिस्ट्री में, इतिहास में क्या है वो, तो वो है मोहरगढ़। मोहरगढ़ जो है एक हिल है जिसका नाम है पौनाखारा। इस पौनाखारा हिल, ये पर्वत है, इस हिल या इस पर्वत पे एक प्राचीन गढ़ है, एंशियंट फोर्ट है। अब पूरा नहीं है, टूटा फूटा है, मतलब इसके रिमेन्स हैं, और यही एंशियंट फोर्ट जो है उसका नाम क्या? मोहरगढ़। तो पौनाखारा पर्वत पर एक प्राचीन गढ़ के अवशेष, एक रिमेन्स है एंशियंट फोर्ट के, जिसका नाम क्या था? मोहरगढ़। क्लियर है ये बात? तो ध्यान आपको क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि इतिहास में सबसे पहले फॉर्मेशन 1998 में हुआ है, इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या था? बिलासपुर। तो मांड कलचुरियों का फर्स्ट कैपिटल वो कोरबा में ही है। उसके बाद मोहरगढ़, जो कि पौनाखारा पर्वत के ऊपर प्राचीन गढ़ का एक अवशेष है, वो भी कहां पर? इस कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अपन प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर ही यूज कर रहा हूं प्लॉट करने के लिए। तो दर्री जो है ना, आप आना इससे पश्चिम वेस्ट की तरफ, आपको क्या मिल जाएगा? ये तुम्मान। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब इसके बाद मोहरगढ़ की बात करोगे ना, तो ये आपका क्या हो गया? हिल हो गया। और ये जो हिल है इसका नाम क्या है? पौनाखारा, पीके पौनाखारा, और इसी के ऊपर क्या है? मोहरगढ़ के अवशेष। समझ में आया? तो यहां पर इतिहास जो है उस डिस्ट्रिक्ट का क्या हो जाता है? फिनिश। अब इसके बाद हम लोग क्या करें? तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे? भूगोल पे, ज्योग्राफी पे। कहाँ गया? एक सेकेंड। हाँ, ठीक। तो अगला पॉइंट क्या है इस डिस्ट्रिक्ट का? ज्योग्राफी, भूगोल। अगर बात करो चट्टान की या रॉक्स की, तो यहां पर दो चट्टान मिलते हैं। एक जो है उसका नाम है क्या? गोंडवाना, और दूसरा जो है वो दक्कन ट्रैप। इंग्लिश में से डेक्कन ट्रैप कहते हैं, और ये गोंडवाना ही कहलाता है। तो गोंडवाना का फॉर्मेशन लगभग 35 से 27 करोड़ ईयर्स अगो हुआ। एक ऐसा चट्टान है, तो ये जीवाश्म युक्त चट्टान है, मतलब फॉसिलिफेरस है ये। और इसमें से जो खनिज मिलता है उसका नाम क्या है? कोयला। जो मिनरल है इम्पोर्टेंट, कोल। दक्कन ट्रैप लगभग 13.5 से 7 करोड़ ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ है? तो गर्म लावा के शीतल होने से, कूलिंग डाउन ऑफ हॉट एंड मोल्टन लावा। ठीक है, अब इसमें से जो खनिज या मिनरल मिलेगा उसका नाम क्या है? बॉक्साइट। अब भंडारण देख लेते हैं, कोयला भंडारण क्या क्या है भाई यहाँ पे? तो ध्यान रखना, सबसे पहले कोल रिजर्व्स में हसदेव अरंड है, इसके बाद सेंदूरगढ़ है, और इसके बाद खुद कोरबा है। ठीक है, हसदेव अरंड, सेंदूरगढ़, कोरबा, और बॉक्साइट में है फुटका पहाड़ और केरला, फुटका पहाड़ और केरला पहाड़। हसदेव अरंड, सेंदूरगढ़, कोरबा, फुटका पहाड़ और केरला पहाड़। फुटका पहाड़, केरला पहाड़ बॉक्साइट का है, कोल का, कोयला क्या है? हसदेव अरंड, सेंदूरगढ़ और कोरबा। एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट
कोयला खदान है जिसका नाम क्या है, मुकुंद घाट। और ये जो मुकुंद घाट है ये भारत का कह लो सबसे बड़ा लार्जेस्ट यांत्रिकृत मैकेनाइज्ड जिसमें मशीन लगा हो कोल माइन है। मुकुंद घाट भारत की सबसे बड़ी यांत्रिकृत मैकेनाइज्ड कोल माइन है। कहाँ पर है? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमने क्या कर लिया, चट्टान देख लिया, फिर क्या देख लिया, खनिज और खनिज के भंडार। अगला जो पॉइंट है वो है क्या, पर्वत या हिल। तो देखना ये जो डिस्ट्रिक्ट है कोरबा, तो यहाँ पे पर्वतों की एक श्रृंखला मिलती है। पहले उसे बना देता हूँ, इस श्रृंखला का नाम है पुटका देवराही। एक हिल रेंज है पुटका देवराही, ठीक है। फिर इसी के पश्चिम वेस्ट की तरफ आपको एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम बिजौरा है। ये बिजौरा व्यापम में पूछा भी जा चुका है, बिजौरा पर्वत। तो छुरी मतरिंगा पर्वत का हिस्सा है ये बिजौरा, ठीक है। फिर पाली, पाली के उत्तर नॉर्थ की तरफ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा चैतुरगढ़। क्या मिलेगा? चैतुरगढ़। तो पाली के नॉर्थ की तरफ चैतुरगढ़, चैतुरगढ़, फिर ये बिजौरा और ये पुटका देवराही। बिजौरा के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा था, ये किसका हिस्सा है? तो ध्यान रखना ये छुरी उदयपुर पर्वत, छुरी उदयपुर मतरिंगा भी पर्वत बोल सकते हो, छुरी उदयपुर बोलोगे ज्यादा सही है, उसका हिस्सा है ये, क्लियर है। तो इतने सारे पर्वत इस डिस्ट्रिक्ट में हैं। नदियों की बात करोगे रिवर्स की, तो ध्यान रखना ये जो डिस्ट्रिक्ट है अपना, दीपका के पठार से एक नदी निकलती है जो आगे चल के बॉर्डर बनाएगी किसका, तो बिलासपुर और जांजगीर चांपा का। नाम है इसका लीलागर। क्या नाम है? लीलागर। फिर एक नदी जो है वो निकल के दक्षिण की तरफ सक्ती के डिस्ट्रिक्ट में जाती है, नाम क्या है इस नदी का? बोरई। तो दो रिवर्स देख लिए, एक लीलागर दूसरी बोरई, ठीक है। अब मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर जब पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कोरिया से निकली थी कौन सी रिवर, तो कोरिया से निकली थी हसदेव जो आई थी कहां, मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अब ये हसदेव घूम के पहुंची कहां, कोरबा डिस्ट्रिक्ट, कोरबा शहर इसके तट पर है। फिर नीचे कहां निकल गई, जांजगीर चांपा। क्या नाम है इस नदी का? नाम है हसदेव। क्या नाम है इस नदी का? हसदेव। अब हसदेव की एक छोटी सी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी कह लो इंग्लिश में, और ये जो ट्रिब्यूटरी है ना ये है वो, इसका नाम है चोरनई। क्या नाम है इसका? चोरनई, क्लियर है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, हसदेव, हसदेव की सहायक चोरनई। फिर लीलागर है, बोरई है। अब ध्यान रखना क्या, नदियों के ऊपर जलप्रपात की बात करें अगर, तो ये जो चोरनई है ना, इस चोरनई रिवर के ऊपर एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम, ये बाहर लिख रहा हूं, नाम है गोविंद कुंज। क्या नाम है? गोविंद कुंज जलप्रपात, गोविंद कुंज फॉल्स। अब ये देवपहरी नाम के विलेज में है तो इसको देवपहरी जलप्रपात भी बोलते हैं, देवपहरी वाटरफॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चोरनई नदी के ऊपर क्या है, गोविंद कुंज जलप्रपात, गोविंद कुंज वाटरफॉल, देवपहरी विलेज में है इसलिए इसको देवपहरी जलप्रपात भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना एक वाटरफॉल यहां पर और है, नदी हसदेव के ईस्ट पूर्व की तरफ, नाम है इसका केंदई। पूरा लिख देता हूं, केंदई जलप्रपात, केंदई वाटरफॉल। तो एक छोटा सा केंदई नाला है, उसी केंदई नाला के ऊपर क्या है, केंदई जलप्रपात या केंदई वाटरफॉल है, ठीक है। तो जलप्रपात देखे। अब डैम अगर देखोगे तो ऑरेंज से ही कर दे रहा हूं, हसदेव नदी के ऊपर बिल्कुल चोरनई जहां पर आकर मिल रही है ना वहीं पर डैम है जिसका नाम क्या है, मिनी माता, इसको हसदेव बांगो डैम भी बोलते हैं। और दक्षिण की तरफ आओगे तो दर्री जो है ना,
इस दर्री के अगर आप कहाँ चले गए, ईस्ट पूर्व में, तो ये क्या है, दर्री बैराज। ठीक है, तो ध्यान रखना हसदेव नदी के ऊपर एक तो मिनीमाता डैम है। अब ये जो मिनीमाता डैम है, बांध है, ये हसदेव नदी के ऊपर बांगो गांव में है, इसलिए इसको हसदेव बांगो बांध, हसदेव बांगो डैम भी बोलते हैं। नामकरण मिनीमाता के नाम से, इसलिए मिनीमाता परियोजना या प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और दर्री के पास दर्री बैराज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, हमने जलप्रपात देख लिया और उसके बाद नदी के ऊपर परियोजना भी देख ली। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ के कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, तो अगला पॉइंट, औद्योगिक क्षेत्र तो ऐसा कोई महत्वपूर्ण है नहीं, उद्योग देख लेते हैं, उद्योग या इंडस्ट्री। तो कौन कौन सा है, दो ठो इम्पॉर्टेंट है, एक क्या है एनटीपीसी जमनीपाली, ठीक है, 1978 में स्थापना, और 1983 में क्या हुआ चालू, उत्पादन। स्थापना बोले तो इसका फाउंडेशन कह लो, और उत्पादन बोले तो प्रोडक्शन कह लो। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब ये जो बाल्को है 1965 और 1975 में इसकी स्थापना है, और 1975 में इसका क्या है, उत्पादन। ठीक है, बाल्को अब एक संयुक्त उपक्रम है, 51% जो शेयर है वो किसके पास है, स्टारलाइट नाम की कंपनी के पास है। क्लियर है ये बात, जब भूगोल वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो और डिटेल में बाल्को के बारे में आपको मैं बताऊंगा। फाइनली क्या है, तो ज्योग्राफी में हम आ जाते हैं अंतिम पॉइंट पर, क्या है भाई अपना, तो एक हाथी अभयारण्य है यहां। क्या नाम है, लेमरू। लेमरू का 90% हिस्सा कौन से जिले में आता है, कोरबा, बाकी बचा हुआ 10% आता है कहां, सरगुजा में और रायगढ़ में। ठीक है कि नहीं है, इसकी घोषणा डिक्लेरेशन कब है ये, तो ये है 2019 में, और इसका क्षेत्रफल एरिया 1995 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो हाथियों और मानवों के बीच में जो संघर्ष है उसको रोका जाए, समझ में आया, ताकि क्या हो सके, संघर्ष रुकेगा, नहीं तो नुकसान बहुत हो रहा है ना, मानव बस्तियों में घुस जाएंगे तो मानवों को मार देंगे, नहीं तो क्या होगा, फसलों को नुकसान पहुंचा देंगे, तो यही जो मानव और हाथियों के बीच का संघर्ष, इसको क्या किया, रोका जाए, और इसीलिए क्या है, तो बेसिकली इस हाथी अभयारण्य की घोषणा की गई है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, लास्ट पॉइंट अपना, जनजाति पर्यटन, ट्राइब्स एंड टूरिज्म। ठीक है भाई, जनजाति यहां पर है पहाड़ी कोरवा, तो एक जनजाति क्या है, पहाड़ी कोरवा। दूसरी जनजाति यहां पर मिल जाएगी आपको कौन सी, सौता। तो कौन कौन सी जनजाति मिल जाएगी, पहाड़ी कोरवा मिल जाएगी और क्या मिल जाएगी, सौता। पर्यटन टूरिज्म की बात अगर मैं करूं तो मैं इस पे प्लॉट कर ही देता हूं, कौन से कलर से किया जाए, तो ये पिंक टाइप का कलर है,
पाली, पाली में फेमस महादेव मंदिर है, समझ में आया? क्या है पाली में फेमस? बहुत महादेव मंदिर है। फिर तुम्मान और दर्री, इसके बीच में आपको मिलेगा क्या जगह का नाम है? छुरी। क्या नाम है? छुरी। अब ये जो छुरी है ना, यहाँ पर है कोसगई माता मंदिर, ठीक है। अगला कोरबा माँ सर्व मंगला मंदिर, ये बिल्कुल हसदेव नदी के तट पर है, माँ सर्व मंगला मंदिर। अच्छा, बरपाली के नीचे जाओगे और तो ये हाईवे के ऊपर आपको क्या मिलेगा? मड़वा रानी। अब ये मड़वा रानी बेसिकली क्या है? ऐसा कहते हैं कि माता का स्वरूप जो कि विवाह से हल्दी लगी स्थिति में यहाँ पर आकर बस गई थी। तो एक छोटा सा पहाड़ है, उसमें आप जाओगे तो बेसिकली है क्या, आप चढ़ोगे जैसे ही ना तो शरीर पीला पीला दिखने लगता है। यही कहानी है मड़वा रानी की, ठीक है। अब इसके बाद दो लोकेशन आपको ऊपर नीचे मिलेगा, क्या क्या है? तो ऊपर जो है उसका नाम है कुदुरमाल। कुदुरमाल जो है, यहाँ लिख देता हूँ, इसका संबंध किससे है? कबीर पंथ से, ठीक है। और नीचे ये वाला जो लोकेशन है ना, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जगह का नाम है क्या? कनकी। और कनकीम क्या है? कनकेश्वर महादेव, इनको चक्रेश्वर महादेव भी बोलते हैं, ठीक है। कितने लोकेशन देख लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके बाद ध्यान रखना, ये जो मिनी माता डैम है, तो डैम का जो रिजर्वायर है, ठीक है, आपको इसको मैं मैप के माध्यम से दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझोगे। रिजर्वायर का मतलब जलाशय। तो ये लिख दिए अपन, आ जाओ, हाँ, मिनी माता डैम, ठीक है, मिनी माता बांगो डैम। अब अपन आ जाते हैं किस पे? मैप पे इसके। तो ये आ गया भाई, तो ये क्या है आपका? मिनी माता डैम। अब यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे लोकेशंस और क्या मिलेंगे आपको? आइलैंड्स। महत्वपूर्ण लोकेशन घूमने के लिए यहाँ पर क्या है पता है? तो एक तो ये सतरेंगा है। क्या है ये? सतरेंगा, दिख ही रहा है, वहाँ पर भी लिख दूंगा मैं। तो एक क्या है? सतरेंगा। अब इसके बाद आप आओगे तो आप देखो यहाँ पर आपको मिलेगा गोल्डन आइलैंड। क्या मिलेगा? गोल्डन आइलैंड। और ऐसी ही एक जगह क्या है? बुका। तो ध्यान रखना, यहाँ पर सतरेंगा और गोल्डन आइलैंड, कहाँ पर है ये? तो हसदेव बांगो रिजर्वायर, हसदेव बांगो का जलाशय यहाँ पर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग क्या करना? ध्यान में रखना। तो दो तीन लोकेशन पर्यटन में और क्या लिख सकते हो? तो और लिख सकते हो यहाँ पर इस ज़िले में सतरेंगा भी है, बुका भी है और गोल्डन आइलैंड भी है, समझ में आया? तो यहाँ पर कोरबा डिस्ट्रिक्ट जो है उसका पूरा पूरा कंटेंट है, हो जाता है फिनिश। अब अपन क्या करते हैं, ज़िले को एंड करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल कोरबा जिले में स्थित है? धनपुर, बारदेगांव, सिरोली डोंगरी, मोहरगढ़। चलो बता दो, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे कर रहे हो यार आप लोग, जल्दी बताओ। पहले का डी, बिल्कुल सही, मोहरगढ़। अगला, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। दर्री बैराज हसदेव नदी पर है, देवपहरी जलप्रपात कोरबा जिले में है, लीलागढ़ नदी का उद्गम फुटका पर्वत है और लेमरू हाथी अभ्यारण्य कोरबा जिले में स्थित है, बता दो। सेकंड में बताना है असत्य कथन, सेकंड में बताना है क्या? असत्य।
रॉन्ग क्या है, गलत क्या है। सेकंड का गलत नहीं बता पा रहे हो आप लोग, कैसे करते हो यार। सेकंड का आंसर नहीं बता पा रहे हो, सी गलत है। लीलागर दीपकास निकला है भैया, फुटकास निकला है क्या। थर्ड, बुका किससे संबंधित है, महादेव मंदिर है क्या यहाँ पे, कि गोल्डन आइलैंड से संबंधित है, कि अष्टभुजी दुर्गा का मंदिर है, बता दो। सर जी छत्तीसगढ़ जीएस क्विक रिविजन वीडियो बनाया ना, जिसमें हर टॉपिक छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर मिस्टीनियस भी कवर करे वीडियो। सत्य प्रकाश जी, इस पर हम बिल्कुल विचार करेंगे, ठीक है। बताओ जब तक, थर्ड का आंसर बताओ किससे संबंधित है ये। कमेंट लेट जा रहा है, अरे कोई बात नहीं, चलो बता दो। बुका का किससे संबंध है, गोल्डन आइलैंड से तो संबंध कह सकते हैं ना, अगल बगल में है दोनों जन, अड़ोसी लोग, पड़ोसी लोग। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तुम्मान का संबंध कलचुरियों से है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। पालिक महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार जाजल देव प्रथम ने करवाया था। कुदुरमाल कोरबा में है, सतनामपन से संबंधित है, और कोरबा में मुख्यतः सौता पहाड़ी कोरबा जनजाति मिलती है। बता दो फटाक से, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ, फटाक से बताओ। थर्ड, फोर्थ का क्या है, फोर्थ का क्या है, जल्दी बता दो यार, कैसे करते हो आप लोग भी, नहीं बता पा रहे हो, मैं ही बता देता हूं। फोर्थ जो है असत्य है, सी। कुदुरमाल जरूर है कोरबा में, लेकिन इसका संबंध सतनाम पंथ से थोड़ी है यार, कबीर पंथ से है। इसके बाद पांचवा, मिनी माता परियोजना किस नदी पर है। फिफ्थ क्वेश्चन बता दो, किस पर है फिफ्थ, फटाक से। हसदेव पर, मैं ही बता दे रहा हूं। चलो लास्ट मेंस का क्वेश्चन, कोरबा का कलचुरियों से क्या संबंध है, संक्षिप्त टिप्पणी करिए। 60 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को क्या करिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या आंसर्स दिखने चालू रहे, ऐसा लगता है कि कमेंट आज लेट आ रहा है। एनीवेज चलो, तो यहाँ पर हमने कोरबा डिस्ट्रिक्ट को क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे वेबसाइट पर जाकर आप ले सकते हैं, ठीक है। मोर छत्तीसगढ़ नाम का पैकेज है, फ्री में अनलॉक कर लीजिए। उसके बाद जब लॉगिन करेंगे, माय पैकेजेस में जाएंगे तो दिखेगा आपको, और उसमें पीडीएफ ये अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। चलिए तो मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।